सबर चाहिए, नॉलेज गेन करने के लिए सबर चाहिए। ऐसे ही नॉलेज नहीं आ जाता है, कई आपको हो सकता है स्कॉलर्स के पास जाना पड़े जब सवाल आपके जहन में आए, ट्रैवल करना पड़े हो सकता है आपको, हो सकता है आपको सर्च करनी पड़े। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर सर्च भी तो करवाता है ना अल्लाह ताला। तो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाए, शॉर्टकट्स से नॉलेज नहीं आता। ये जो है ना कि एक आलिम को फ़ोन किया और उसको मसला बताया, बस मुझे मसला मिल गया तो ये इल्म आ गया, इसको इल्म नहीं कहते हैं, ये तो शॉर्टकट लगा रहे हैं ना। इल्म से जुड़ जाएं, सीरत की किताब पढ़ने लग जाएं, कोई क्लास ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा सिलेबस करें एक सीक्वेंस में है और उसका कुछ उसके कंटेंट्स हैं, उसका कुछ करिकुलम है, वो चीज़ करने का इंशाल्लाह आपको देर पा फ़ायदा होगा। बहुत से कोर्सेज हो सकते हैं, अल्लाह के नामों से शुरू कर सकते हैं आप, कि मैं अल्लाह के 99 जो नाम हैं मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, कोई कोर्स कर लेता हूँ। इसी तरह दिल को नरम करने वाली बातें किताबुर रिकाक सही अल बुखारी की, वो पढ़ना शुरू कर दें, उस पर कोई कोर्स शुरू कर दें, कुछ सर्च करें, कोई आलिम को कहें मुझे ये पढ़ा दें, किताबुर रिकाक पढ़ा दें, ठीक है ना। इसी तरह कुरान की कुछ सूरतें ले लें कि मैंने ये पढ़नी है, समझनी है, सूरह दुहा से शुरू कर दें, वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, 30वां पारा से शुरू कर दें या शुरू से शुरू कर दें, सूरह अल बकरा से शुरू कर दें। लेकिन जुस्तजू करें, ढूंढें, उसके तरीके देखें, जितनी एफर्ट करेंगे अल्लाह गाइड करेगा। सूरह अनकबूत की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं जो भी हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसको गाइड करते हैं। नॉलेज जो है ये एक बहुत बड़ा वेपन है आपको साबिर बनाने में। आपको अगर अल्लाह की हिकमतों के बारे में कुछ नॉलेज है या अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ नॉलेज है, आप साबिर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉलेज कम है तो आप बेसब्रे ही रहेंगे।